News 18, India. किसानों के साथ हुई चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने कुछ उपज पर एमएसपी की गारंटी का दिया प्रस्ताव। सरकार के प्रस्ताव पर दो दिन में जवाब देंगे किसान प्रतिनिधि। किसानों के जवाब के बाद अगली बैठक पर होगा फैसला। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, तीन पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। मेयर चुनाव में धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुनवाई से पहले मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में करेंगे शिरकत। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम आज संभल में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। आज अमेठी में सियासी पारा रहेगा हाई। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी जनसंवाद विकास कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रधानमंत्री ने दिया 2024 के लिए जीत का मंत्र। पीएम मोदी बोले, नारी शक्ति, किसान, युवा और गरीबों के लिए किया काम, कार्यकर्ताओं को दिया अगले 100 दिनों का लक्ष्य। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए बीजेपी के अधिवेशन के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हताशा की राजनीति पर प्रस्ताव। अमित शाह बोले, चुनाव से पहले पांडवों और कौरवों का दो खेमा बना, पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी जीत। अधिवेशन में लगा एक बार फिर मोदी सरकार का नारा। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े। एक बार फिर मोदी सरकार। जून 2024 तक बढ़ा जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले पर राष्ट्रीय अधिवेशन में लगी मुहर। दिल्ली आबकारी केस में ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया। केजरीवाल के आज ईडी के सामने पेश होने पर संशय बरकरार। संदेश खाली हिंसा केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल जाएगी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब।